हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सभी को स्वागत है मेरे आज के व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का व्लॉग है ट्यूटोरियल व्लॉग, क्योंकि आप सब ने मुझे ढेर सारा कमेंट किया था कि दी आप थंबनेल कैसे बनाते हो, कौन से ऐप से बनाते हो और कैसे बनाते हो। तो मैंने सोचा कि इतने सारे कॉमेंट आ रहे हैं तो मैं आज दिखाई देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, कौन से ऐप से बनाती हूँ। और आप सबने ये भी पूछा था कि आप एडिट कैसे करते हो, तो मैं एडिटिंग कैसे करती हूँ, कौन से ऐप से करती हूँ, ये सब मैंने आप सबको पहले भी दिखाया है। मैंने वीडियो बनाया था, व्लॉग है, आप लोग प्रीवियस व्लॉग चेक करके देखना, VN ऐप बोल के है, आप सब वहां से देख कर एडिट कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़, कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैं अभी आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कैनवा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप सब प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो प्ले स्टोर से कर सकते हो, नहीं तो आप क्रोम में भी जाके जो कैनवा ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा ही कैनवा ऐप से ही थंबनेल बनाती हूँ और बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ईजी है। वहां पे एक तो जैसा थंबनेल हमको चाहिए वैसा भी रहा होता मतलब है, और जैसे आप खुद भी बना सकते हो। तो सबसे पहले जो बेसिक है, जो मैं पहले पहले जब व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, जो मैं पहले बनाती थी वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। उसके बाद जो बाद में कैसे बनाती हूँ वो भी आप सबको दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको कैनवा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको कैनवा ऐप डाउनलोड करना, और मेरा तो पहले से कैनवा ऐप डाउनलोड है तो मैं ऐसे ही आप सबको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कैनवा ऐप है उसको कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये ऑटो सेव डिजाइन है, ये आप सेव नहीं करोगे तभी भी आप अगर कोई थंबनेल बनाते हो तो ये ऑटो सेव हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे अगर आपको थंबनेल बनाना है तो सबसे पहले कैनवा ऐप ओपन करने के बाद ही आपको दिखेगा यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रेजेंटेशन, प्रिंट, सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको और भी ज्यादा मतलब डिटेल्स में चाहिए होगा तो आप यहाँ पे प्लस जो ऑप्शन है नीचे, होम है, प्रोजेक्ट है, प्लस का ऑप्शन है, थंबनेल टेम्पलेट है, वो आपको प्लस के ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं पहले प्लस के ऑप्शन में क्लिक करके दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं पहले पहले किया था मैंने तो प्लस के ऑप्शन में क्लिक किया था। उसके बाद ऊपर वही आता है थंबनेल वगैरह, तो यहाँ पे मैंने थंबनेल क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया हुआ है कैनवा ऑटो सेव डिजाइन बोल के खुद ही आ जाता है, क्योंकि अगर कभी कभी आप भूल जाते हो तो खुद ही आ जाता है, खुद ही सेव हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो YouTube का थंबनेल जिन जो साइज में होना चाहिए 16:9, वो यहाँ पे डिजाइन खुद ब खुद आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता तभी भी आप इस कैनवा ऐप से बना सकते हो, क्योंकि जैसे आप ओपन करोगे आपको यहाँ पे डिजाइन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, डेली व्लॉग है, टेबल व्लॉग है, उसके बाद फिर यहाँ पे फूड व्लॉग है। आपको जो भी, आप अगर फूड व्लॉग बना रहे हो, आपको कोई फूड आइटम वगैरह थंबनेल में लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हो। आपको ट्रेवलिंग ब्लॉग का, आप ब्लॉग बना रहे हो ट्रेवल का, अगर आप लोगों को ट्रेवलिंग वाला थंबनेल बनाना है तो यहाँ से ट्रेवल वाला भी ले सकते हो। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, बस आप लोगों को अपना ये जो पोस्टर है वो हटाकर अपना जो फोटो पिक्चर जो भी है वो लगाना होता है। तो चलिए, पहले मैं ये दिखा देती हूँ, मैं सबसे पहले ये जो डेली ब्लॉग वाला है उसमें दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए, ये डेली ब्लॉग है, मैंने यहाँ से एक जो थंबनेल है वो उठाया है तो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे अपना कोई फोटो वगैरह लगाना है तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो आप यहाँ से कौन से ये जो बड़ा वाला है, यहाँ से अगर आपको अपना फोटो लगाना है तो इसको सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे आना है तो यहाँ पे रिप्लेस, क्रॉप, एडजस्ट वगैरह है, तो आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे सीधा गैलरी का जो फोटो वगैरह है वो आ जाता है। तो यहाँ से मैंने एक फोटो अपना ले लिया है, आपको यहाँ पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बस आपको फोटो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फोटो आ गया है। अगर आपको ये फोटो नहीं चाहिए, आपने गलती से अगर वो फोटो लगा लिया है तो कोई बात नहीं, फिर से आप रिप्लेस करेंगे तो फिर से जो फोटो आपको चाहिए वो करेंगे। तो इसी
इसी जगह पे आ जाएगा। तो देखिए अगर ये फोटो आ गया, अभी इसको मुझे लेफ्ट राइट करना है, लेफ्ट या राइट करना है, तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट अभी नहीं है, अगर सिलेक्ट करेंगे तो इसको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ब्लू लाइन आ जाएगा, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्रॉप में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो आप, तो ऐसे आप कर सकते हो, डन कर देना है, बस हो चुका है। अगर आपको ये जो लिखा हुआ है ए पीसफुल इवनिंग वॉक ये सब नहीं चाहिए तो इसको आप सिलेक्ट करिए, ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे डिलीट का ऊपर ऑप्शन है, डिलीट कर दीजिए, चला गया। अभी यहाँ पे फिर से आपको फोटो लगाना है, जो बुक है बुक के ऊपर आपको खुद का फोटो लगाना है, तो फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करिए, उसके बाद रिप्लेस में जाइए, उसके बाद फिर से एक फोटो ले लीजिए। बस मैंने फोटो लिया है, उसके बाद यहाँ पे वो फोटो आ जाएगा, देखिए आ गया। इसका थोड़ा सा सर ऊपर है मेरे फोटो का, तो क्रॉप करिए, क्रॉप करने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे लेके आइए, ठीक है, नीचे लेके आइए, हो गया, डन करिए, आ गया। अब यहाँ पे रीड विथ मी है, उसको डिलीट करना है, तो यहाँ ऐसे क्लिक करिए, डिलीट करिए, यहाँ पे एरो है, एरो को भी डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए, हो गया। फिर से यहाँ पे भी एक फोटो लगा दूंगी मैं, रिप्लेस, कोई भी एक फोटो आपको लेना है, बस ये मेरा और मम्मी का था, वही मैंने लगा लिया है। ये भी थोड़ा सा सर ऊपर आ चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे चिल नाइट रूटीन लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है, एरो है, एरो को भी डिलीट कर देंगे, तो देखिए हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो डेली व्लॉग लिखा हुआ है, अगर इसके जगह पे आपको किस कोई और कुछ लिखना है या इसी को आपको नीचे लाना है, तो बस इसको ऐसे सिलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पे नीचे ऊपर साइड कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सीधा इसको सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाना है, नीचे एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद इसको आपको काटना है। अगर आपको ट्रेवल लिखना है, ट्रेवल लिखना है, ट्रेवल ब्लॉग, तो आप ट्रेवल ब्लॉग लिख सकते हो। अगर ये व्हाइट कलर का है, दिख नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे जाना है कलर ऑप्शन में, कलर ऑप्शन में जाकर यहाँ से पिंक उठाना है, रेड उठाना है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए यहाँ पे डिजाइन, तो आप यहाँ पे जाके आप कुछ भी डिजाइन ले सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी डिजाइन ले सकते हो, जो आपको मर्जी है वो ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये थोड़ा सा इधर उधर करना है, तो ये जो एरो का ऑप्शन है इसको क्लिक करिए, हो जाएगा। तो अभी इसको सेव करना है, तो यहाँ पे ऊपर का जो एरो का ऑप्शन है, एक ऊपर की तरफ एरो है, एक नीचे की तरफ एरो है, तो नीचे की तरफ एरो को क्लिक कर दीजिए। देख ही सकते हो यहाँ पे जो एरो है, और एरो को क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जो डिजाइन है वो सेव हो चुका है। तो अगर आप कभी कभी सेव करना भूल जाते हो और इस जो ऐप है उसको आप बैक कर लेते हो, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये खुद ब खुद डिजाइन सेव हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि जो वहाँ पे बनाया हुआ थंबनेल है उसको रिप्लेस करके आपका फोटो जो आप लगाते हो उसके बिना ही आप खुद से थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको जाना है YouTube थंबनेल पे, YouTube थंबनेल पे जाना है, और वहां पे आपको सजेशन में डायरेक्टली जो थंबनेल बना बनाया होता है वो आ जाता है, लेकिन आपको वो लेना नहीं है, क्योंकि आप खुद ही बना रहे हो तो क्यों लेना। तो बस वहां पे जो सजेशन होगा उसको आपको कट कर देना है, उसके बाद फिर आप सबको मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। और मैं पहले पहले तो जो कैनवा पे थंबनेल बना बनाया होता था वही मैं रिप्लेस करके देती थी, लेकिन अभी मैं नहीं देती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पे खुद सजेशन आ चुका है, तो अभी इसको हम कट कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये है थंबनेल का जो साइज होता है वो खुद ब खुद आ जाता है। अगर इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो अगर कलर देना चाहते हो, तो यहाँ पे कलर दे सकते हो, कोई भी कलर दे सकते हो, रेड, येलो, पिंक, ग्रे, ब्लैक, कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं व्हाइट रख रही हूँ,
और अगर आप सबको यहाँ पे एक ही फोटो लगाना है तो ये रिप्लेस में क्लिक करके एक फोटो लगा सकते हो, और अगर आप सबको दो तीन फोटो चाहिए तो आप रिप्लेस में क्लिक मत करना, आपको ये क्या करना है सिलेक्ट नहीं करना है, मैं सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे नीचे है डिजाइन एलिमेंट्स टेक्स्ट गैलरी, उसके बाद ब्रांड वगैरह, तो मैं गैलरी में क्लिक कर रही हूँ। गैलरी में क्लिक करने के बाद अपना जो फोटो है वो आ जाएगा, तो बस अपना फोटो एक क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड टू पेज करना है, ऐड टू पेज मैंने कर लिया है। उसके बाद जो थंबनेल है उसमें जो सिलेक्ट किया था उसमें आ जाएगा, ये देखिए। अगर आपको इसको बड़ा करना है तो यहाँ से क्लिक करके इसे बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा नीचे ऊपर चाहिए तो क्रॉप करके फिर से नीचे ऊपर कर सकते हो, जो मैंने पहले भी दिखाया उसी टाइप का है। उसके बाद डन कर लीजिए। उसके बाद और एक फोटो लगाना है तो फिर से सिलेक्ट मत करना, उसके बाद फिर गैलरी पे जाना, गैलरी में जाके फिर आप दूसरा फोटो ले सकते हो। यहाँ पे ऐड टू पेज कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे देना है, फिर और एक फोटो लेना है तो फिर से गैलरी में जाइए, फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे बनाना है। तो बस यहाँ से मैंने एक फोटो ले लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे आके लगा लिया, देखिए हो गया। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, डेली ब्लॉग लिखना है, ट्रेवल ब्लॉग लिखना है, या कुछ भी लिखना है, तो आप टेक्स्ट में जाइए, ऐड हेडिंग करिए, ऐड ए हेडिंग करिए, उसके बाद यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डेली ब्लॉग, ठीक है। इसको आप बड़ा करना है, इसको सिलेक्ट करिए, जो डेली ब्लॉग लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करिए, उसको बड़ा करिए, उसके बाद नीचे आना है तो नीचे लाइए। अभी इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो कलर, तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन नीचे आएगा, कलर में जाइए। यहाँ पे मैं रेड लेना चाहती हूँ तो रेड ले सकती हूँ, पिंक लेना चाहती हूँ तो पिंक ले सकती हूँ, रेड ले लिया मैंने। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे साइज मतलब जो लिखा हुआ हैंडराइटिंग का चेंज करना है हैंडराइटिंग, तो यहाँ पे जाइए फ्रंट में, एफ वाला एफ एफ जो है उसमें जाइए, यहाँ पे ऑटोन में ले रही हूँ। तो ये है इसका डिज़ाइन। तो बस हो चुका है हमारा जो थंबनेल रेडी। अगर आप सबको यहाँ पे बहुत कुछ 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 करना है तो यहाँ पे नीचे सारा कुछ है, आप लोग कर सकते हो। तो अगर इसको सेव करना है तो ऊपर यहाँ पे सेव कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर आपको ये जो सेव करे हो ये आपको गैलरी में जाकर सेव होगा, अगर आप लोग सेव नहीं करोगे तो ये कैनवा में ऑटोमेटिकली सेव होकर रह जाएगा। अगर आपको चाहिए तो बाद में भी आप लोग ले सकते हो। अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे होता है। तो चलिए यहाँ से मैंने कट कर लिया, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है जो रिसेंट डिजाइन है वहां पे। देखिए ये मैंने थोड़े पहले पहले किया था तो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ से फिर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज मैंने आप सबको दिखा दिया कि मैं थंबनेल कैसे बनाती हूँ, और मुझे भी इतने अच्छे से थंबनेल बनाना नहीं आता, जो मुझे आता है मैं दिखा दिया। और मैंने भी पहले पहले जब व्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो जो कैनवा में बनाया हुआ जो थंबनेल होता है वहीं से रिप्लेस करके, जो सजेशन में आता है वहीं से रिप्लेस करके मैं अपना थंबनेल बनाती थी। अगर आप लोग भी चाहते हो, आप लोग भी बिगेनर हो, आप लोग भी नए नए व्लॉगर ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगर हो, तो आप लोग भी यही यूज कर सकते हो, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और एक दो दिन आप लोग ट्राई करोगे ना तो आप लोग को ज्यादा देर नहीं लगेगा सीखने के लिए, और ये खुद भी बना सकते हो। और एक पिक्चर आर्ट्स भी है जिससे मैं बनाती हूँ, अभी बस सीख रही हूँ, जब मैं बना के मतलब पूरा जान कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर मैं आप सबको वो भी दिखा दूंगी। लेकिन सबसे इजी तरीका मुझे यही लगा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक तरीके से एक थंबनेल बन जाता है। हाँ मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन हाँ एक बेसिक बन सकता है। और यहाँ जो कैनवा ऐप में और भी बहुत तरीके हैं जो थंबनेल बनाने के लिए, वो मैंने ट्राई नहीं किया है, तो जो मैं ट्राई करी वो मैंने आप सबको दिखा दिया है। अगर हो सके तो आप लोग भी बना सकते हो। तो चलिए, अगर आप सबका आज का ये जो ट्यूटोरियल वीडियो है अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कुछ और जानना है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज। तो चलिए मैं आप सबसे फिर से मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। बाय गाइज, टेक केयर, बाय।